दोस्तों ये देखिए हमारे पास में रोस्टर की है IGT 10X, ये हम लाए हैं हमारे खुद के लिए। आप पास में आइए, थोड़ा दिखाते हैं इसके फीचर्स वगैरह आपको। पास में एकदम पास में आइए, ये नाम दिखाना है अपने को, आपको दिखना चाहिए उसके अंदर से, दिख रहा है ये गेमो कंपनी की है रोस्टर 10X और जनरेशन 2। और इसके ऊपर देखिए ये इसका रेल भी लगा हुआ है, जो रिकॉइल रेल बोलते हैं इसको गेमो की, ये झटका झेलती है, इसके ऊपर स्कोप लगता है, ये साथ में आया हुआ है। और देखिए इसके फीचर्स आगे आप, ये इसमें फाइबर ऑप्टिक साइट्स दी हुई हैं, पीछे ग्रीन है आगे रेड है, दिख रही है उसके अंदर से रेड, यहाँ से दिखाइए ऐसा दिख जाएगी रेड। और अभी हम इसकी पावर टेस्टिंग करके देखेंगे अलग अलग पैलेट से। ये देखिए यहाँ पे दिखाइए पास में लाके, हॉर्नेट और ये प्लैटिनम वाले, ये जो प्लैटिनम वाले हैं इससे कंपनी क्लेम करती है 1300 FPS इसका। तो हम सबसे पहले हॉर्नेट चला के दो देखेंगे, ये पीपे हमारे देखिए पूरे नए लाए हैं हमने, इन पे जरा सा भी डेंट नहीं है, दिखा दीजिए एक बार। और यहाँ दिखाइए मैं हॉर्नेट इस पे लोड कर रहा हूँ, ये देखिए इसकी ये मैगजीन है इसके अंदर 10 राउंड की, इसमें से लोड ऐसे होते हैं सिंपल, बस ये हमने इसके अंदर पैलेट डाला, मैगजीन रोटेट करी, ये सेकंड पैलेट हमने डाल दिया। तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा अगर इसमें नंबर एक आ रहा है, ये देखिए इसमें नंबर भी आते हैं कि कितने हमने पैलेट इसमें लोड करे हैं। तो चलिए आपको इसका हम पावर वो दिखाते हैं कि क्या पावर बनती है इसकी हॉर्नेट से। सेम डिस्टेंस रखेंगे हम लोग ये हमारे पत्थर के पास से, सेम डिस्टेंस से दोनों पैलेट चलाएंगे वो दोनों तरफ। हमने हॉर्नेट ऊपर मारा है, ये देखिए ये दोनों होल हॉर्नेट के हैं, पास से लाके दिखाइए, इधर से एग्जिट करके सेकंड में एक ने एंट्री करी है, दूसरे में इसलिए शायद नहीं कर पाया था क्योंकि ये ऊंचे नीचे रखे थे, चिपक के नहीं रखे थे। और देखिए इसको पार करके निकल गया है पीछे। और सॉरी दोस्तों अभी हमारे पास दो ही पीपे हैं तो हम इसको बराबर कर नहीं पाए, एक तीसरा पीपा हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको स्टॉप कर देना यहाँ नीचे वाले से। दोस्तों ये देखिए इस, ये हम एक एक्स्ट्रा पीपा इसमें रख रहे हैं तीसरा, इसमें एक होल है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, और इसके पीछे भी दिखाइए इसमें भी एक होल है यहाँ पे, और इसमें भी एक ही होल है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं, रोकिए उसको। देखिए दोस्तों हम फिर से दो गेमो यूज कर रहे हैं, पहले हमने दो पीपे रखे थे तो उसको पार कर गई थी, तीसरा एक पीपा और थोड़ा सा कम डैमेज वाला हमें मिला है। अब चेक करते हैं हम क्या रिजल्ट बनता है, हम ऊपर ही चलाएंगे इसे, हॉर्नेट को ऊपर ही चलाएंगे, सेकेंड शॉट भी हम चलाएंगे, आइए दिखाते हैं पास में आइए। ये देखिए ये ऊपर के दोनों होल अभी हमने किए हैं, ये उल्टे हैं, ये हमने पहले चलाए थे, ये वाले दो होल अभी हुए हैं, ये देखिए यहां से भी पार हुई है, और पीछे इसने अभी तो नहीं कर पाई है शायद इसके रुकने की वजह से, पर पहले कर गई थी एक, और ये एक डेंट दिया है तगड़ा वाला इसमें इसने। ये सब एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो इनकी हार्डनेस बढ़ जाती है, शायद इस वजह से इस बार पार नहीं हुई, और पहले कुछ नहीं था शायद इस वजह से पार हो गई थी। अब हम चलाएंगे प्लेटिनम दो शॉट, अब हम ये PVA के चला के देखेंगे नीचे, इसे हम फीड करते हैं अंदर फिल करते हैं, ये देखिए PVA वाले पैलेट, ये क्या करते हैं देखते हैं हम रिजल्ट में, इसे हम नीचे चलाएंगे थोड़ा सा। सेम डिस्टेंस है ये हमारा जहां से हमने पहले शॉट किया था, आइए आपको दिखाते हैं इसके रिजल्ट भी कि क्या हुए हैं। ये देखिए यहां से इनकी एंट्रियां हुई है, ये एग्जिट करके यहां से एंट्रियां हुई हैं दोनों की, ये लगभग लगभग एग्जिट कर ही दिया है, देखिए एक पैलेट तो यहां फंसा हुआ था, पूरा पीपा इन्होंने फाड़ दिया है। तो हॉर्नेट से ज़्यादा पावर है इनकी, पीछे से ये टकराने के बाद भी अगर ये पीछे नहीं रहता तो पार हो जाते, इसने इन्हें रोक दिया अंदर, मगर देखिए डैमेज हॉर्नेट से ज़्यादा है इनका, रोक दो।